हेलो गाइस, हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। तो आज हम लोग आए हैं टीके मैक्स, ये रिटेल पार्क है। यहाँ पे बहुत सारे स्टोर्स हैं और उनमें से एक स्टोर है टीके मैक्स। तो हम टीके मैक्स इसलिए आए क्योंकि टीके मैक्स में हमेशा ऑफ चलता है और वहाँ पे सारे ब्रांड्स मिल जाते हैं, तो सारे ब्रांड्स एक ही स्टोर में मिल जाते हैं। और प्लस वहाँ पे ऑफर्स रहती हैं हमेशा के इस पर्टिकुलर ब्रांड पे 20 है, इस पे 30 है, इस पे 40 है, अप टू 60 हमेशा चलता है। अभी लास्ट वीक ही हमने वहाँ से शूज़ लिए थे, वहाँ के इतने अच्छे शूज़ मिल गए। तो बाकी अगर हम और किसी स्टोर पर जाते तो वो मतलब ब्रांड तो मिल जाता है, मगर ना उनकी रेंज ज़्यादा होती है, तो यहाँ डिस्काउंट में मिल जाता है, तो यहाँ ढूंढना भी नहीं पड़ता है। हाँ, तो क्योंकि यहाँ क्या होता है कि कुछ साइज़ होते हैं टूटे में, जैसे मतलब 9 नंबर मिल गया आपको, 10 मिल गया। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी शूज़ में 9 मिल गया तो 10 भी मिल जाएगा या 11 भी मिल जाएगा, नहीं, उसके अंदर अलग अलग डिज़ाइन अलग कलर होंगे, वो भी हाफ प्राइस में। हाँ, हाफ प्राइस में। तो अगर आपको ब्रांड में से लेना है और आपको देखना है कि शायद मेरे साइज में मिल जाएगी, जनरली मिल ही जाता है, तो फिर टीके मैक्स अच्छा ऑप्शन है। चलिए स्टोर के अंदर भी आपको दिखाते हैं कि क्या क्या डिस्काउंट में लगा। ये कितने का? US पुलिस की प्राइस लगी होगी ना, ये भी डिस्काउंट में मिल रहा है 39.99। ये डिस्काउंट में सारे पीस लगे होते हैं ना, ऐसे थोड़ा वैसे ये सब चीज़ों में ढूंढना पड़ता है। ये बैग वगैरह जो अच्छा लग रहा है ले लो। ऐसा ही लग रहा है कि संडे बाजार आ गया, बट हम पे सारे ब्रांड है, सारे ब्रांड है। देखो ज़ारा भी मिल रहे थे 29.95। तो मैडम आपको कुछ पसंद आया? बहुत सारे, मैं इस वाले ब्रांड का याद है, इटली से लिया था? नहीं, जब हम इंडिया गए थे मम्मी के लिए लेके गए थे स्पैरो, फाइकन स्पैरो का है ना, लॉकडाउन में। और अब दोबारा मैं वैसा ढूंढती रही अपने लिए, मुझे मिला ही नहीं। तो यहाँ तो पूरा जंगल है ब्रांड का, आपको कौन सा लेना है? कोई समझ आ रहा है? कोई समझ आ रहा है आपको? कौन सा ब्रांड है ये? DKNY। ओ, डोंकी लेना है तुम्हें? ले लो। क्या हुआ मैडम, अभी तक सर्चिंग चल रही है आपकी? मुझे तो ये वाला थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा, वो कलर थोड़ा ब्लैक ब्लैक सा होता है ना, डीसेंट। ये भी अच्छा है, जॉब पे भी चल रहा है, ये भी अच्छा, इसमें फ़ोन भी आ जाएगा आपका। और देखो देखो ये भी अच्छा है, ये अच्छा। कितने का है? कितने का है? अब आप बताओ। ओके, इन दोनों में इधर वाला ये, अब मैंने एक कौन दिखाया, वो भी अच्छा है, इन दोनों में से वो भी अच्छा है, ज़्यादा जो आपको अच्छा लगे, ज़्यादा जी ज़्यादा बेटर है इधर वाला है। ठीक है, फाइनली एक घंटे बाद आपने ये पसंद कर लिया है। अच्छा लग रहा है, अच्छा है, तो ये डन है। देखो ये मेरा प्राइमर है, इसको मैंने कितना घिसा है। चलो अब जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, हमारा टाइम हो रहा है, हमें और कहीं भी जाना है। ठीक है, ये डन। बहुत सारे ब्रांड इजली मिल जाते हैं, और पीछे वो भी लगा हुआ आपको दिख रहा है क्लियरेंस। और ऊपर बच्चों का भी है। चलते हैं आगे, वॉचेस। ये पूरा वुमन का सेक्शन है, मेंस और किड्स का ऊपर है। क्लियरेंस 12 पाउंड में लगी हुई है, और भी कम में 9 पाउंड में, 12 पाउंड में,
ये पोलो के शूज़ मिल रहे हैं आपको 27.99। जैसा कि मैंने आपको नीचे दिखाया गर्ल्स का सेक्शन था, ऊपर बेबीज और मेंस का सेक्शन है। ये देखिए कितनी वैरायटी है, सारे वैरायटी के कपड़े मिल जाते हैं बच्चों के। ये देखो कितनी प्यारी सी DKNY की जैकेट मिल रही है, और वो भी डिस्काउंट में लगी है। कितने की है? 34.99 की। यहाँ डिस्काउंट में भी अच्छे कपड़े मिल जाते हैं बच्चों के, और उधर बॉयज़ का है तो मेंस वेयर में भी डिस्काउंट लगा हुआ है। हम गाइस सब थक गए हैं अब शॉपिंग कर करके, तो हम आ गए चीनी चोर। तो आप पता है चीनी चोर के पीछे भी हिस्ट्री है। ये चीनी चोर क्यों बना था? क्योंकि ये लोग चीनी चुराते थे 1847 में, है ना जुबे? हाँ, चीनी की बोरियां तुम्हारे घर ले जाते थे। अरे नहीं, मैं याद करी, पता नहीं ऐसा नाम क्यों रखा है, चीनी चोर के चीनी चुराते थे। नहीं, इसलिए क्योंकि यहाँ मीठा मिलता है। चीनी चोर, चलो कुछ खाते हैं, तो पेट की भूख को मिटाते हैं। यहाँ पे आपको पराठा मिलेगा, इडली मिलेगी, डोसा मिलेगा, सब मिलेगा। हमने पिछले ब्लॉग में दिखाया भी है, हम यहाँ से मिठाइयाँ ले जाते हैं। मैं यहाँ से जलेबी लेके गई थी, जलेबी लड्डू याद है? अच्छे थे। हाँ, हम साउथ वाले ब्रांच में आए, इसकी हॉस्टलों में भी ब्रांच है, जहाँ हमने 200 रुपये की बिरयानी खाई थी। तो 200 रुपये की बिरयानी बहुत फेमस हो गई है ब्लॉग में, तो आगे इन ब्लॉग को भी अब हम दिखाते हैं कि हम कितने का पराठा खाने वाले हैं और कितने की इडली। हाँ, तो चलिए फिर लेते हैं कुछ, ऑर्डर करते हैं। हमने पनीर के पराठे ऑर्डर किए और ये आए अचार के साथ, और हमने लस्सी भी ऑर्डर की है, मैंने थोड़ी सी पीली नहीं ऑर्डर की। लस्सी कितने की, पराठा कितने का? पराठा है 275 का एक। ये किसका बच्चा रो रहा है? तो कितने का है? 275 का एक। बहुत बड़ा पराठा है। और अभी हमने आलू पराठे से ऑर्डर किया, वो भी 275। और क्या मंगाया हमने? आलू पराठा बस। तो अब बहुत तेज भूख लगी, हम शुरू करते हैं, हमसे वेट नहीं हो रहा, ठीक है? बाकी बताते हैं आगे कैसा लगा इसका टेस्ट। तो गाइस, खाने का रिव्यू अच्छा था, खाना रीजनेबल था, प्राइस वाइज अच्छा था, तो आप आ सकते हैं यहाँ पे अगर आप कुछ सस्ता ढूँढ रहे हैं तो। बाकी हम अपना ब्लॉग आज यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें हमारे साथ, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।